हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शिखा। साइंस 4 के चैप्टर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स के और फर्स्ट एड के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हम देखते हैं चैप्टर एट ए ग्लैंस में आज हम कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेसेस, फर्स्ट एड एंड व्हेन समवन फेंट्स। ये सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। एंगेज सेक्शन देखते हैं। एंगेज सेक्शन में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रोड साइंस एंड नेम देम। यहाँ पे कुछ रोड साइंस गिवन है, अब आपको क्या करना है, इन रोड साइंस को देखना है और इनके नाम लिखने हैं कि ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट्स हमारी डेली लाइफ में कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं, और मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी खुद की लापरवाही या दूसरे की लापरवाही से होते हैं। मतलब केयरलेसनेस एक मेजर रीजन होता है बिहाइंड द एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स तब भी होते हैं जब हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, ये हमें फिजिकल इंजरी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें शारीरिक नुकसान तो पहुंचाते हैं साथ ही हमें दूसरे नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है, अगर हम प्रॉपर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो हम खुद को और दूसरों को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। इन रूल्स को हम घर में, स्कूल में, रोड पे, प्लेग्राउंड, कहीं भी अप्लाई करके खुद को एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि स्कूल में हम कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास में, जैसे कि डस्टर, चॉक, पेन, पेंसिल, रूलर, एक दूसरे पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये इससे इंजरी हो सकती है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी भी डेस्क पे नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि गिर के आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। सीढ़ियां जो होती हैं, जो स्टेयर्स होते हैं, उन पे नहीं भागना चाहिए। किसी को भी स्टेयर्स पे धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए किसी को भी स्टेयर्स से। हमेशा जो गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। एंड जब भी आप स्टेयर्स पे ऊपर जा रहे हो या स्टेयर्स से नीचे आ रहे हो, तो एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में आपको जाना चाहिए, मतलब वहां पे किसी को पुश एंड पुल नहीं करना चाहिए। घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, कभी भी किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ हो गया या मैच स्टिक्स हो गई, सीजर हो गई, इनसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो आपको आपकी फिंगर कटने का या ब्लीडिंग का डर रहता है। तो अगर आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज भी करना है तो हमेशा किसी एडल्ट के सुपरविजन में करिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मत छेड़िए, गीले हाथों से कोई भी स्विच आपको ऑन या ऑफ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और किचन में काम करते वक्त हमेशा आपको कॉटन क्लोथ्स ही पहनना है, क्योंकि जो नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं। और जब भी आप कोई बर्तन उठाएं, स्पेशली गैस से, उसके आसपास से, तो आपको पहले उसको चेक करना है कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो आपकी स्किन को इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट, कभी भी फ्लोर पे कोई भी चीज आपको नहीं छेड़, कट्टू। नेक्स्ट, कभी भी फ्लोर पे आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। सपोज आप खेलते खेलते अपने टॉयज छोड़ देते हैं और उस पर कोई ट्रिप होके गिर सकता है, तो खेलने के बाद अपने टॉयज को अपने प्रॉपर प्लेस पे रखें। कोई भी मेडिसिन बिना एडल्ट को, बिना अपने पेरेंट्स को दिखाए मत लीजिए। और अगर घर में आपके किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो स्विच है उसको बंद कर देना है। कभी भी बाथरूम के फर्श पे सोप, लोशन, शैम्पू ये सब ना छोड़े, क्योंकि कोई इस पे स्लिप होके खुद को चोट पहुंचा सकता है। जो हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बाथ टब, शावर प्लेस या सिंक से दूर रखिए, क्योंकि इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। एंड शार्प रेजर्स और जो सीजर्स होती है उनसे आपको नहीं खेलना है, क्योंकि इससे आपको कट लग सकता है। प्लेग्राउंड में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं, कभी भी खेलते वक्त हमें दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए, हमेशा गेम्स के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, कभी भी कोई भी रफ गेम या कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए जिससे दूसरों को चोट पहुंच जाए, कभी भी किसी भी पूल या जो वाटर टैंक हो उसके आसपास नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप सडनली उसमें गिर भी सकते हैं। एंड
कोई भी फ्लावर आपको तोड़ना नहीं है, किसी भी प्लांट को आपको डैमेज नहीं करना है। रोड पे आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं मोस्टली वो रोड पे होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। तो अगर हम नीचे दिए हुए ये कुछ रूल्स भी फॉलो कर लें तो भी हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। वो रूल्स कौन से हैं? वो है, हमेशा हमें फुटपाथ या फिर लेफ्ट साइड जो पेवमेंट होती है उस पे चलना है। रोड के राइट साइड कभी ना चले, क्योंकि रोड की राइट साइड जो होती है वो व्हीकल्स के लिए होती है। अगर कोई फुटपाथ नहीं है, कोई पेवमेंट नहीं है, तो तब भी आपको लेफ्ट साइड ही रखना है खुद को, रोड के लेफ्ट साइड। क्रॉस आपको हमेशा वहां से करनी है रोड जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग हो, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो रोड सेफ क्रॉसिंग का पाथ आपको देती है और वहां पे जो व्हीकल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। पहले आपको अपने राइट में देखना है, फिर लेफ्ट में, फिर दोबारा राइट में जब भी आप रोड क्रॉस करें। तो उससे पहले फर्स्ट आपको राइट में देखना है, देन लेफ्ट में एंड देन राइट में। आपको ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना है। कभी भी आपको बिजी रोड पे अपनी बाइसिकल को नहीं चलाना है, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, कोई भी जो व्हीकल है आपको हिट करके जा सकता है। और अगर आप व्हीकल चला रहे हैं या अपनी साइकिल को चला रहे हैं रोड पे, तो टर्न होने के लिए आप हमेशा अपने हाथ का सिग्नल दें, क्योंकि साइकिल में कुछ बैटरी ऑपरेटेड कुछ ऐसा होता नहीं है जिससे आप इंडिकेटर दे सके अपने पीछे या सामने आने वाले पर्सन को। तो आपको अपना हैंड सिग्नल यूज करना है, या फिर आपको जो सामने पीपल जा रहे हैं उनको हटाने के लिए अपनी जो साइकिल में बेल होती है उसका यूज करना है। नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? हम अक्सर मार्केट जाते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहां पे भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अकेले जाने से बचें, या फिर जो अनजान रास्ते होते हैं उस पर आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। जिस रास्ते से आप गए नहीं हो, जहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है, सुनसान रास्तों से आपको नहीं जाना है। बेकार में इधर उधर मत भागिए, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो सकते हैं उस केस में। और अगर वहां पे कोई स्टेयर केस है तो वहां पे आपको एक साइड चलना है, ये नहीं कि आपको स्टेयर्स पे भागना है या दूसरे लोगों को परेशान करना है। और जो स्टेयर्स और डोरवेज होते हैं उनमें एडिक्वेट लाइटिंग होती है जिससे आप गिरे ना, तो आपको हमेशा ऐसे स्टेयर्स यूज करने चाहिए पब्लिक प्लेसेस में भी जहां पे सफिशियंट लाइटिंग हो। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? जब भी किसी पर्सन को चोट लगती है तो उस पर्सन को एक इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है, उसी इमीडिएट हेल्प को हम बोलते हैं फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड कैसे देनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फर्स्ट एड के? सबसे पहले तो जो चोट लगी है जिस पर्सन को, वो चोट का एरिया टच करने से पहले आपको अपने हैंड्स जो है उनको प्रॉपरली वॉश कर लेना चाहिए। उसके बाद जो वूंड है उसको आपको कॉटन और क्लीन वाटर से साफ कर लेना चाहिए। उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और लोशन, जिससे जो जर्म्स हैं जो चोट के आसपास हैं वो सब मर जाए। उसके बाद आपको वूंड को एक बैंडेज से ढक देना है। अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको जो बैंडेज है वो बहुत टाइट बांधनी है जिससे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। अगर जले का केस है, मतलब जो पर्सन है वो जल गया है, तो उस पर आपको ठंडा पानी डालना है, किसपे, जो बर्न एरिया है उस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, और उसके बाद अफेक्टेड जो एरिया है उस पर थोड़ा सा आइस लगाना है। आप कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे कि बर्न ऑल एक्सेट्रा में यूज कर सकते हैं। और अगर बर्न जो है वो सिवियर है, मतलब ज्यादा जल गया पर्सन, तो आपको उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कभी कभी हमें कीड़े भी काट लेते हैं, और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ कीड़े जो होते हैं उनकी बाइट इस स्ट्रांग होती है कि स्वेलिंग हो जाती है या फिर हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ऐसे केस में ट्विजर्स की हेल्प से हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो स्टिंग को, जो डंक होता है ना इंसेक्ट का, उसको रिमूव करना होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम लगानी होती है जिससे दर्द में थोड़ी सी राहत मिले। कैलोमेल लोशन भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको इचिंग हो रही हो तो। नेक्स्ट टॉपिक इज When someone faints, अगर कोई बेहोश हो जाए तो आपको कौन सी फर्स्ट एड देनी है, या आपको क्या करना है अगर कोई पर्सन आपके आसपास बेहोश हो जाता है तो। जब भी कोई बेहोश होता है यानी कि फेंट हो जाता है, तो उसको सीधे लिटा दीजिए और उसका जो हेड है वो उसकी बॉडी, लोअर जो बॉडी है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, जिससे उसको प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे। उसके आसपास भीड़ ना इकट्ठी होने दे, उसको फ्रेश एयर आने दे, और अगर पॉसिबल हो तो उसको थोड़ी देर शांत और बिल्कुल चुपचाप लेटने दें। ऐसा आपको कम से कम आधा घंटे तक करना है, मतलब आधा घंटे तक आपको उस पर्सन को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, उसको बिल्कुल शांत लेटे देना है। उसके बाद आपको उसको फर्स्ट एड देनी है, जो भी नीडेड हो उसके केस में।
सो स्टूडेंट, ये था हमारा सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट विद द एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज टाइम में हमें क्या करने के लिए दिया गया है। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी शुड नॉट प्ले विथ, हमें नहीं खेलना है किससे, नाइफ से। सेकेंड, विच ऑफ दीज इज डेंजरस टू टच विथ वेट हैंड्स, गीले हाथों से इनमें से हमें क्या नहीं टच करना है, हमें इलेक्ट्रिक स्विच नहीं टच करना है। थर्ड, जीब्रा क्रॉसिंग इज मेंट फॉर बी पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस द रोड। फोर्थ, वी शुड वॉक ऑन द पेवमेंट। एंड फिफ्थ, विच ऑफ दीज कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ ए कट ऑन योर बॉडी, कट होता है तो हम एंटीसेप्टिक क्रीम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट मिले लेकिन उसमें एक ब्लैंक है, वो ब्लैंक्स आपको फिल करना है। वी शुड नॉट टेक एनी ऑन अवर ओन, वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन अवर ओन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डू नॉट प्ले नियर पूल और टैंक, टैंक कौन सा, जो वॉटर टैंक होता है हमारा। थर्ड, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। फोर्थ, वी शुड ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। एंड फिफ्थ, लोशन कैन बी यूज टू रिड्यूस इचिंग, कैलामाइन लोशन। ट्रू फॉल्स देखते हैं, एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरफुल, नो फॉल्स, व्हेन वी आर केयरलेस। सेकेंड, वी शुड नॉट लीव एनीथिंग लाइंग ऑन द फ्लोर, ट्रू। थर्ड, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ, वी शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, फॉल्स। एंड फिफ्थ, वी शुड बी काम वाइल गिविंग फर्स्ट एड, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टूडेंट, दिस वॉज एक्सरसाइज पार्ट, आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वॉज अवर टूडेज वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।